शर्माते तो नहीं, शर्माते तो नहीं उसके नाम से, डरते तो नहीं उसके नाम से, शर्माने से। मुझे लगता अभी भी कईयों को बारिश से डर लगता है। क्या लगता है? बारिश से डर लगता है, लगता है। भूल गए? मुझे लग रहा है कभी कई लोग अभी भी डर के कारण लगते हैं तो शुरू में भूल गए। जिनकी सिर्फ न्यू बच्चे, बिल्कुल जिनका बर्थ बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जो न्यू बर्थ के, वो सिर्फ बैठे, वो सिस्टर वो बहने बैठे, बाकी सब लोग यहाँ पे आए ताकि परमेश्वर हर समय को हर चीज को याद रखने वाला परमेश्वर। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ, हमेशा एक अपने बेटे की। जब ये छोटे वाला बेटा मेरा हुआ था, ये सिर्फ मात्र डेढ़ महीने का था, बोल गया था, ये डेढ़ महीने का था, और मैंने किसी को टाइम दिया था, उन्होंने हमें अपने घर से जब मैंने सेवा शुरू की तो लंच पे दोपहर के खाने पे हमें बुलाया, तुम्हें किसी काम के, अपने काम के कारण मैं बहुत लेट हो गया, भूल गया। सर्दियों के दिन थे, सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात, मुझे बातें पीछे से मुझे सब शांत है, पीछे देखो सब, मुझे आवाज कहां से आ रही है, वहां से तो नहीं आ रही, मुझे आवाज आ रही है कहीं से। सुनो सुनो ध्यान से सुनो सारी, मैंने यहां से खड़े ताकि दोस्तों मजा आए। तो सुनो सब, जनवरी का महीना तब जब इतनी ठंड होती है, तो ठंड का मौसम तो नहीं है ना, जनवरी का महीना, और मैं दोपहर का टाइम था, और मैं शाम को 5 मुझे बज गए अपने काम से, मैं किसी कारण लेट हो गया, और वो बहुत कॉल कर रहे थे, बुला रहे थे कि बहुत लेट हो गए, मैं जल्दी से आया, बोल गए। तो शाम हो गई, अंधेरा होना शुरू हो गया, हम पहुंच तो गए, मौसम शाम को खराब हो गया, पर जना जब उनके घर पहुंच तो गए 6 बजे तक हम, पर वहां पे हमें कम से कम 8-8:30 बज गए। जब बाहर निकले तो उन्होंने इतनी धूंध, भूल गए, इतनी धूंध, बहुत ऐसे हवा, बहुत ज्यादा ठंड होगी, 8:30 का टाइम हो गया, तो वो बोल रहे थे कि रुक जो आप, फिर वो घर वाले कहते हैं ऐसा करो आप हमारी गाड़ी ले जाओ, तो तब मुझे गाड़ी चलाने की मैनुअल करना समझ नहीं, तो मैंने कहा नहीं मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, कोई बात नहीं हम चले जाएंगे, बोल गए कोई बात नहीं हम चले जाएंगे। तो जब आप खुदावन के लिए खड़े हो गए, खुदावन आपको आगे लेकर जाएगा, मैं सच्ची कह रहा हूं। जो खड़ा होना सीखते नहीं है खुदा के साथ हालातों में, वो भी एक किस्म का एक हालात है, बोलो क्या था, बोल गए, परमेश्वर देखना चाहता था, बोल गए। इसीलिए मैं थोड़े दिन मंडे की मीटिंग में लोगों को बता रहा था कि मैं जब भी सिखाता हूं तो मैं बड़े हियाव से और दलेरी से सिखाता हूं। क्यों ऐसे करता हूं, क्यों दलेरी से सिखाता हूं, क्योंकि मैंने खुद किया, सब कुछ किया, बोलो गए, सब कुछ किया मैंने, सब कुछ। आप मेरी बारिश की गवाही सुनते हो ना, जब मीटिंग का टाइम था होता उन दिनों में 9 बजे का टाइम, बोले गया है 9 बजे का टाइम होता है 9 बजे का, और मैं प्रेयर से उठा, और जैसे आज एकदम से बादल आ गए, क्या आ गए, एकदम से बादल आ गए, मैं सुबह जब मैं प्रार्थना से उठा तो मैंने कहा वो मैं फिर प्रार्थना कर लिया, धन्यवाद परमेश्वर, बोले गए सब मौसम अच्छा कर चुके, और करते करते टाइम ऊपर हो रहा था, बारिश शुरू हो गई,
सवाठ बारिश शुरू होगी, मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर रोक चुके और अब 8:30 हो गए और वहां से जाने का टाइम मेरे घर से आधे घंटे का था। बोल गए अब मैं देख रहा हूँ टाइम हो रहा है, बोल गए अब टाइम हो रहा है। तो अपने में दवाई कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी, जो नए नए लोग आते हैं सुनो। तो मैंने क्या किया, उस समय मौसम थोड़ा सर्दी का स्टार्ट हो गया, मैंने एक पॉलीथिन में लिफाफे में अपने कपड़े डाले, अपने शूज अपनी जुत्ती को डाल लिया और पुराने कपड़ों से मैं निकल गया तेज बारिश में। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बारिश रुकेगी तो मैं फिर चलूंगा, मुझे मेरे मन में था कि मैंने टाइम पे जो टाइम दिया मैंने वहां पे मैं उतने बजे ही जाना है। बोल गया मैंने उतने बजे जाना है और मैं राइट वहां पे 9 बजे पहुंच गया। तेज तूफान बारिश में, सुनो वो भी बाइक पे, बाइक की बात कर रहा हूं, अपने मोटरसाइकिल पे, और इतना तेज तूफान रोड पे, ऐसे बारिश की शीते मेरे फेस पर जैसे रोड बजते ऐसे बज रहे हैं। पर मैं रुका नहीं। देखो आज हम भीग रहे हैं, कुछ लोग मैं आ रहा हूं तो कुछ मैंने देखा रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ लोग खड़े, बोल गए खड़े। जब तक आप खुदा के लिए कुछ करोगे नहीं तो जो आप चाहते हो वो करेगा नहीं, वो परमेश्वर देखता है। ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं, बोल गए हम बारिश से डर के, अगर हम बारिश से डर गए तो फिर और बड़े हालातों से फिर कैसे लड़ेंगे। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ अगर हम बारिश से डर के, बारिश से, तो बड़े हालातों से फिर कैसे लड़ेंगे, बताओ मुझे लड़ पाएंगे लड़ेंगे। हमने वो योद्धा बनना है मसीह के, बोल क्या बनना है, हमने मसीह के वो योद्धा बनना है, तूफान हो कुछ भी हो हम आगे जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, बोल गए हम आगे जाएंगे और रुकेंगे नहीं। सुनो मैं देख रहा हूं कम से कम मुझे भी आधा घंटा हो गया आए हुए, कई लोग चलती वर्षिप में बैठ जाते हैं, चलती वर्षिप में बैठ जाते हैं और जब वर्षिप स्टार्ट होती है मुझे लगता है कम से कम ये वर्षिप 11 बजे की शुरू हुई है, अभी 1 घंटे से भी ऊपर हो गया अभी, हाँ समझ आ रही है, अब सब खड़े हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है, क्या है आज बैठने की ऑप्शन नहीं है। सुनो मेरी बात, जो ये उनके लिए आज खुदा ने उन्हें बल दिया है, चाहे कैसे भी करके दिया है, आज उन्हें मैंने कहा बल दिया खुदा ने बल। जो लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं और जल्दी से बैठने की करते हैं, बैठ जाओ हम थके माते हैं, तो खुदावंद आपको बल दे रहा है, वो दिखा रहा है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम खुद जान के कमजोर अपने आप को बना रहे हो, खुद आपको सिखा रहा है कि तुम सब कुछ कर सकते हो अगर तुम करना चाहो, तुम खुद ही अपने आप को कमजोर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सेम उसी तरह जैसे प्रेरित पॉल ने जब आप 1 Corinthians 12 पढ़ते हो तो उसकी 5-6 में ऐसे लिखा है कि उसने 3 बार परमेश्वर से विनती की कि ये चीजें मुझसे दूर हो जाए, 3 बार विनती की कि दूर हो, तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह मेरा फसल ही तुम्हारे लिए काफी, बोले क्या मेरा अनुग्रह फसल ही, तुम मुझसे क्यों बार बार कह रहा है मेरा फसल ही तेरे लिए काफी। आज वो फसल है यहां पे, मैंने कहा आज वो फसल है, आज वो फसल यहां पे है, गाओ गाओ उस फसल के लिए, उसकी कृपा के लिए गाओ गाओ गाओ। कुछ नहीं है तेरा ना कभी देना ले, ना कभी देना तेरा ना कभी देना ले, Shariya Mazdariya Nudatta
करते हैं कि परमेश्वर ने ये बड़ा काम साडे लिए करता है। वो शैतान जो अपने आप नूं इस पृथ्वी का मालिक समझता, ईश्वर समझता है, खुदा समझता है, इस मसीह ने क्रूस ते अपने आप नूं सूली उत्ते, बोलो क्या है, सूली उत्ते किल्ला उत्ते जड़ के, बोलो क्या है, उन्हें जीरो करता, जीरो, बोलो क्या है, और विश्वास करने वाले दे ले, जो ते विश्वास करते नहीं, जितने लोग उसे अपना उद्धार करता मुक्ति दाता मान चुके, ये खुदा ने बड़ा कर दिया कि वो शैतान को आपके पैरों के नीचे कर दिया। करते विश्वास के शैतान हमारे पैरों के नीचे है, करते विश्वास। चलो एक वचन देखते हैं, साथ साथ आज ऐसे चलेगा। एक वचन पढ़ो जल्दी से, अफिसियों 1:19, सुनो ध्यान से, जल्दी से जल्दी से, ऐसा ऐसा ही चलेगा सारा, आज वर्शिप चलेगी, ऐसे ही हम प्रचार भी सुनेंगे बीच बीच में, यार आज खुदा सबसे अलग चीज कर रहा है, बोलो क्या है, आज खुदा कुछ अलग चीज कर रहा है, आज आज हम ऐसे ही प्रचार भी सुनेंगे, गवाहियों को भी सुनेंगे, आज खड़े खड़े खुदा से अपने कामों को भी लेंगे, हीलिंग को भी लेंगे, चंगियाई बरकत सब कुछ लेंगे, और खुदा बहुतायत से देगा। अगर आमीन ऊंचा है आज रोड तक, अगर मैंने कहा आज आमीन ऊंचा है रोड तक, तो ये सारी ब्लेसिंग छुटकारा आज आप रखा है यीशु मसीह के नाम से, ऊंचा आमीन। हाँ पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे, और उसके सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति। सुनो सुनो, सबसे पहले सुनो ध्यान से, परमेश्वर के वचन में लिखा उसकी, ये स्वर्ण नाम है, उसकी शब्द परमेश्वर की, बाइबल में ऐसे लिखा है उसकी, ये स्वर्ण नाम शब्द है, उसकी का मतलब परमेश्वर की वो सामर्थ, वो शक्ति इतनी महान है, बोलो क्या है, बोलो क्या है, विश्वास करने वालों के लिए, कि लोगों के लिए परमेश्वर की शक्ति महान है जो विश्वास करते हैं, विश्वास। हाँ आगे पढ़ो, हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हाँ आगे, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। हाँ, आगे, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर श्रोमणी ठहराकर कलीसिया को दे दिया, ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब बोलो आमीन। अब ध्यान से मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ क्या है, सुनो, ये वचन को मैंने आपको अभी आज पढ़ा रहा हूं, जब ये वचन मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने किसी से सीखा नहीं, बोलो कहें, इसका इसकी जो एक्सप्रेशन है, इसकी जो व्याख्या है, मैंने किसी से सीखी नहीं, खुदा ने स्वर्ग से इस बात को मेरे ऊपर प्रकट किया कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको समझाता हूं, सुनो, आज कितने लोग इसको समझना चाहते हैं, हाथ को हिलाओ जो समझना चाहते हैं आज, अगर आप समझ गए, अब बड़े से बड़े हालातों से लड़ोगे और हारोगे, चाहे कितने भी बड़े से बड़े हालात क्यों ना हो, अब हारोगे। सुनो, आपको पता, मैं एक अपनी गवाही देता हूं, था शुरू में जब मैं आया तो यीशु मसीह में आने से पहले मैं दुष्ट आत्माओं से बहुत डरता था, बहुत ज्यादा, इसी डर के कारण मैं हमेशा अपने परिवार के साथ सोता था, और आपको मैंने मैं ये पहले भी बताया कि मैं चाहे मैंने ऐसे टेढ़ा सोना है चाहे पेट बार पुट्ठा इसे उल्टा करके सोते हैं, क्योंकि जिस दिन मैं ऐसे सीधा सोया
उसी दिन मुझे दबाव पड़ेगा, जिसे जी बोलते ना पंजाबी दबाव पड़ना, बोलो क्या है? मुझे दबाव पड़ता था उसी दिन ऐसा होता था, और ये हर दिन होता था अगर मैं ऐसा ना करूं तो। और जब मुझे इस वचन की समझ थी, बोलो क्या थी खुदा ने, कि हमें जो श्वास करते हैं उसकी शक्ति कितनी महान है, जो उसने मसीह में किया उसे मरे हुए में से जलाकर सब प्रकार की प्रधानता सामर्थ अधिकार ना केवल इस लोक में आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, सब चीजों के ऊपर यीशु मसीह का नाम ऊपर बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके पांव तले कर दिया? बोलो किसके पांव तले कर दिया? सब प्रकार की प्रधानता अधिकार परमेश्वर ने किसको दे दी? यीशु को। लिखा सब कुछ यीशु के पैरों के नीचे कर दिया और श्रोमणी फहराकर, श्रोमणी का मतलब होता सिर बनने के लिए, परमेश्वर ने यीशु को कलिसिया को दे दिया। कलिसिया मतलब हम लोग हैं। बोलो क्या? मेरे ध्यान से सुनो बात, कलिसिया मतलब हम लोग, जो हम लोग हैं। यूनानी में कलिसिया को बोलते अकलिसिया, यूनानी शब्द में अकलिसिया का मतलब होता जो बाहर बुलाए हुए लोग। बोलो क्या? बाहर बुलाए हुए मतलब इस दुनिया से अलग किए हुए लोग। जैसे मान लो आप अपने गांव से आते हो तो आपका सारा गांव तो प्रभु में नहीं है। हाँ, आपके गली में कितने घर हैं, आपके गांव में कितने घर हैं, तो सब तो प्रभु में नहीं है। पर आप कलीसिया का मतलब बाहर बुलाए गए, परमेश्वर ने आपको उन लोगों से क्या कर लिया? अलग कर लिया, जिन्हें कहते हैं अड कर लिया, बक कर लिया। तो खुदा ने आपको उनसे अलग कर लिया। आमीन। तो लिखा श्रोमणी मतलब सिर बनने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को मतलब हमको दे दिया। लिखा ये उसकी देह है, ध्यान से मेरी बात सुनो, ये उसकी देह मतलब हम उसकी देह। किसकी देह? हम यीशु की हम देह हैं, और यीशु श्रोमणी ठहराकर कलीसिया को मतलब सिर बनने के लिए दे दिया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। अब आपका सिर आपका नहीं है, आपका सिर यीशु है। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरा सिर तेरा नहीं है, तेरा सिर यीशु का है। बोलो क्या है? तेरा सिर यीशु का है। सुनो ध्यान से, फिर बाइबल कहती है कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसने सब में सब कुछ पूर्ण भी कर दिया। अगर सब कुछ यीशु मसीह के पैरों के नीचे, तो बाइबल हमें कहती है अगर वो हमारा सिर है, हम उसकी देह हैं, तो हमारे भी पैरों के क्या हाल है? सब कुछ नीचे, दुष्ट की शक्ति, सेना, हालात, दुख, बीमारी, पत्थर, सॉलिड, सब आपके पैरों के नीचे एजेंसी के नाम से। अगर हम इन ऊंचा है इतने विश्वास करते हैं। सुनो ये काम परमेश्वर ने कर दिया है। बोल गए ये काम परमेश्वर ने कर दिया, पर अब क्या है? आपने पवित्रताई में जीना है। कितने मेरी बात सुन रहे हैं? हमने पवित्रताई में जीना है, खुदा की हर आज्ञा को मानना है, खुदा का डर रखना है, अब कोई पाप नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पापों से क्या दे दी है? माफी दे दी है। अब हम पापी नहीं है, हम धर्मी है। थे एक दिन हम, बोलो क्या है? इसलिए इस मिनिस्ट्री की एक टीचिंग है, बोलो क्या है? इस मिनिस्ट्री की एक शिक्षा है। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी प्रभु में है तो ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, हम पर दया कर, कृपा कर। बोले कहें हमें कोई खूबी लिया करती है। पत्रस कहता तुम चुना हुआ वंश, राज पता